हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर है। मैं आपका वेलकम करता हूँ प्लांट इन वन चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको मैरीगोल्ड ग्रो करना दिखाऊंगा, यानी गेंदे के फूल। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये मैरीगोल्ड के सीड हैं। ये मैंने डायरेक्ट फूल में से निकाले हैं, मैंने कोई पैकेट नहीं मंगाया था इसके बीजों का। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये दो प्रकार के हैं। आप इनका कलर देख रहे हैं, एक येलो है और एक ऑरेंज है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको इसको ग्रो करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको बालू मिट्टी लेनी है, और ये नॉर्मल बालू मिट्टी है, और आप इसमें गोबर की खाद ऐड कर सकते हैं। उससे जो है, आजकल दिल्ली में सर्दियां हो गई और बीज को ग्रो होने में गर्मी चाहिए होती है, तो इसलिए इसमें ज़रा सी आप बालू मिट्टी ऐड कर दीजिए। ये जो गेंदे के बीज हैं, इनको आप नवंबर के एंड तक लगा सकते हैं। आपको इस बीज की पहचान दिखा दूं, आप देख रहे हैं जो काले काले से है, एकदम ब्लैक है, ये अच्छा बीज है। और जो एकदम सफ़ेद से बीज होते हैं, यानी आप ये देख रहे हैं ये वाला, ये ग्रो नहीं होते, तो आप इनको फेंक दीजिए। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको ये ग्रो करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप इसकी हल्की सी गुड़ाई कर लीजिए। और दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, हल्के से बीज हैं, हवा से उड़ जाते हैं। तो अगर ऐसे कोई भी बीज हो, तो सबसे पहले आपको मिट्टी में पानी डालना पड़ता है। तो इसको मॉइस्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने देखा मैंने इसमें पानी डाल दिया। तो दोस्तों, चलिए अब हम इसमें इसको डाल, आपको इसको हल्के हल्के से स्प्रिंकल करना है। इसमें एक दूरी बनाए रखनी। बस आपको इसको आराम से डाल दीजिए, ये 20 दिन में ग्रो हो जाएंगे। मैंने पहले भी लगा रखे हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में उसका भी रिज़ल्ट दिखाऊंगा। बस दोस्तों, इतने बहुत हैं। तो आपको एक चीज़ दिखा दूं, आप लोग इस चीज़ को तो जानते ही होंगे। दोस्तों, ये दालचीनी है जो आपके किचन में मिल जाती है, सिनेमन, इससे जो है प्लांट को फंगस नहीं लगता। आप इसको बीज पे भी डाल सकते हैं, तो इससे फंगस नहीं लगता पौधों को। ज़्यादा भी हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है। बस दोस्तों, आप इसको हल्के से दबा दीजिए, और आप इसमें हल्की सी ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। बस दोस्तों, अब आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको इसको हल्की सी लेयर करनी है। देखिए दोस्तों, बस अब इस पर हल्का सा पानी छिड़क दिए।
ये 20 दिन में अच्छी तरह ग्रो हो जाएगा। मैं आपको अपनी पुराने वो दिखाता हूँ सीड। दोस्तों देखिए, ये मैंने 20 दिन पहले लगाए थे, आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। इस बीच इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपका एक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाय दोस्तों।